हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिनों के, यानी कि 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के राशिफल की, साप्ताहिक राशिफल की। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आने वाले 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या क्या अच्छी बातें, अच्छी घटनाएं हमारे साथ हो सकती है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम हमारे आने वाले 7 दिनों की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाए और हम जो चाह रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, उन कामों के अंदर हमको सफलता मिल पाए। हमारे जो नए दर्शक है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो राशिफल होते हैं, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। यह आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, सूर्य 14 और 15 तारीख को रहेंगे सिंह राशि पर। 16 तारीख से सूर्य ग्रह जा रहे हैं कन्या राशि में, जो कि आगामी 1 महीने तक कन्या राशि में ही रहेंगे। मंगल ग्रह रहेंगे सिंह राशि पर, बुध ग्रह रहेंगे कन्या राशि पर, शुक्र ग्रह रहेंगे कर्क राशि पर, गुरु और केतु रहेंगे धनु राशि पर। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल और जानते हैं आने वाले 7 दिन हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं। मेष राशि, मेष राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा आने वाले 7 दिन अपनी राशि से चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, यानी कि चौथे घर में, पांचवें घर में और छठे घर में रहने वाले हैं। साथियों, लग्जरी आइटम पर किसी प्रकार का अनावश्यक पैसा आपके या आपकी संतान के द्वारा खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंध में यदि किसी प्रकार की रुकावट है तो वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके लव मेट का आकर्षण और लगाव आपके प्रति आपको देखने को मिलेगा। साथियों, नौकरी में यदि किसी प्रकार की दिक्कतें महसूस हो रही है तो वह दिक्कतें दूर होगी। आपको आपके बॉस का, आपके अधिकारी का, आपके सहयोगियों का भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा और आपके सोर्स ऑफ इनकम में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। संतान को लेकर यदि कोई समस्या है तो वह दूर होगी। संतान से अपने व्यवहार सुधारने की कोशिश करें। संतान को लेकर कोई भी शिकायतें हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आने वाले 7 दिनों में किसी प्रकार का खर्चा आपका आध्यात्मिक कार्य पर हो सकता है। आध्यात्मिक कारणों से आपकी यात्रा हो सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और समाज के द्वारा आपको प्रेम भाव देखने को मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि से आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति रहेगी दूसरे, तीसरे और चौथे। साथियों, किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या यदि आपको है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आपको बड़ी सक्सेस उसमें दिखाई देगी। आपको आपके परिवार का और आपके मित्रों का बड़ा सहयोग, बड़ा आर्थिक सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आने वाले 7 दिनों में आपको आपकी बातों के अंदर वजन दिखाई देगा और आप अपनी बातों से, अपने प्रभाव से सामने वालों को संतुष्ट करते हुए दिखाई दोगे। साथियों, किसी प्रकार की यदि लंबी यात्रा का योग बनता है, खासकर व्यवसायिक लंबी यात्रा का योग बनता है, तो उसे बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। यह आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, यह आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए काफी अच्छी और काफी अनुकूल रहने वाली है। साथियों, यदि आप नौकरी में हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी, कहीं ना कहीं आपको एडिशनल वर्कलोड मिल सकता है। आपके अधिकारी, आपके सहयोगी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यदि आप नौकरी फील्ड में हैं तो आपको कहीं ना कहीं सचेत रहना चाहिए। व्यवसाय में किसी प्रकार की पार्टनरशिप यदि करना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनर के द्वारा आर्थिक सहयोग आने वाले 7 दिनों में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मिथुन राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में आपकी राशि से चंद्रमा रहेंगे दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में। साथियों, आने वाले 7 दिनों में आप अपनी जरूरत के लिए या अपने शौक पूरे करने के लिए पैसा जरूर खर्चा करेंगे। शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं आप पर हावी रहेगा, आपको अपमानित करने की कोशिश करता रहेगा। आपके परिवार के किसी सदस्य से या किसी मित्र से आपका मनमुटाव होगा। साथियों, व्यवसायिक पक्ष आने वाले 7 दिन आपके लिए काफी उत्तम है। व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जो कार्य आपने सोच रखे है वे आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से पहले दूसरे और तीसरे पड़ती है। साथियों,
आप अपने रंग रूप पर, अपने सौंदर्य पर विशेष ख्याल आने वाले 7 दिन रखोगे। साथियों, मान सम्मान की दृष्टि से आने वाले 7 दिन आपके लिए काफी अनुकूल है। आपको समाज का और अपने परिवार के सदस्यों का मान सम्मान देखने को मिलेगा। वाहन और प्रॉपर्टी पर एक आकस्मिक इन्वेस्टमेंट आपका आने वाले 7 दिनों में हो सकता है। मकान खरीदने में या वाहन खरीदने में यदि कोई परेशानी आ रही है तो वह दूर होगी, उस पर फाइनेंस होता हुआ आपको दिखाई देगा। साथियों, वाहन को आने वाले 7 दिन कृपया करके धीरे चलाएं। वाहन पर अनावश्यक तरीके से भी पैसा खर्चा होने के योग आपके बनते हैं। रुका हुआ पैसा यदि किसी व्यक्ति के पास में है तो उसे लेने की कोशिश करें। आने वाले 7 दिन रुका हुआ पैसा आने के प्रबल योग हैं। सिंह राशि। आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से 12वें, पहले और दूसरे पड़ती है। लंबी यात्रा का प्लान बनेगा। आय के साधन बढ़ाने के लिए आप किसी बैंक अधिकारी से या किसी व्यक्ति से वार्तालाप करोगे। आपकी बात के अंदर आपको वजन दिखाई देगा और लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे, आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आने वाले सप्ताह में यदि आप पैसा चुकाना चाहते हो, किसी का कर्ज चुकाना चाहते हो, तो आपको प्रयास करना चाहिए। धार्मिक कार्य पर या धर्म के काम पर आपका पैसा खर्चा होते हुए आपको दिखाई देगा। कन्या राशि। आने वाले 7 दिन आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति रहेगी 11वें, 12वें और पहले स्थान पर। साथियों, प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की रुकावट है तो वह दूर होगी। आपको आपके साथी का सहयोग मिलेगा और उनसे लगाव बढ़ेगा। आपकी पत्नी के ऊपर या आपके पत्नी के कारण कहीं पर बड़ा पैसा खर्चा हो सकता है। आने वाले 7 दिन आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे बहुत ही कम आप मिलते हो, और उनसे प्रेम भाव बढ़ेगा और उनसे प्यार भरी बातें होगी। आपको आपके मित्रों का और आपके भाई बहनों का आर्थिक सपोर्ट आने वाले 7 दिनों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि। आने वाले 7 दिन चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से 10वें, 11वें और 12वें रहने वाली है। आने वाले 7 दिनों में वे लोग जो आपसे उम्र में छोटे हैं वे आपको आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपकी लंबी यात्रा के योग या आपकी छोटी मोटी यात्राओं के एक से अधिक योग आने वाले 7 दिनों में आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। व्यवसाय को लेकर यदि कोई एग्रीमेंट करना चाहते हो तो आने वाले 7 दिनों में उसके लिए आपको प्रोसेस चालू करना चाहिए। व्यवसाय में एक बड़ा अनुबंध आपका आने वाले 7 दिनों में आपको दिखाई देगा। शिक्षा को लेकर आने वाले 7 दिन काफी अनुकूल रहेंगे। नया ज्ञान हासिल करने का मौका मिलेगा। नए सब्जेक्ट्स में, नए कोर्सेस में आपकी रुचि बढ़ेगी। माता पिता का सपोर्ट आने वाले 7 दिनों में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार का सरकारी काम यदि अटका हुआ है तो उसे करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी पर या किसी लग्जरी आइटम पर आकस्मिक रूप से आने वाले 7 दिनों में आपका पैसा खर्चा हो सकता है। वृश्चिक राशि। आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से 9वें, 10वें और 11वें पड़ेगी। कार्यस्थल पर आपका बेवजह तनाव बढ़ेगा। आप जो काम करते हो उसके अंदर विघ्न बाधा आएगी। जिन लोगों से पैसा लेना है वे देंगे नहीं, और जिनको देना है वो आपकी जान खाएंगे। साथियों, किसी भी प्रकार का सरकारी कामकाज आपको आने वाले 7 दिनों तक नहीं करना चाहिए। आपको सरकारी दंड लग सकता है, सरकारी आफत आ सकती है, तो कृपया अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। कार्यस्थल पर बेवजह का तनाव, बेवजह का मानसिक चिंता आपको बनी रहेगी। एक नौकरी के रहते हुए आप अन्य नौकरी ढूंढने का प्रयास करोगे, उसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत करोगे। साथियों, एक खुशखबर है, यदि कहीं से रुका हुआ पैसा आपका है तो उसे लेने का प्रयास करें। 10वां चंद्रमा आपको रुके हुए पैसे वापस दिलवाते हुए दिखेगा। आने वाले 7 दिनों में आपको नींद की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य में आपको पेट की समस्या हो सकती है, अपना ध्यान रखें। धनु राशि। होते हुए काम आपके रुक जाएंगे। बेवजह की विघ्न, बेवजह की बाधा आपको अपने काम में होती हुई दिखाई मिलेगी। साथियों, किसी भी व्यक्ति को यदि जरूरी ना हो तो पैसा उधार ना दें। पैसा डूबने के चांसेस बनेंगे, पैसा रुकने के चांसेस बनेंगे। मकान और दुकान पर या किसी लग्जरी आइटम पर आपका पैसा खर्चा होगा और यह आपके लिए शुभ रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। मामा पक्ष से या नाना पक्ष से किसी प्रकार की मुलाकातें होंगी
और यदि किसी प्रकार का मनमुटाव है तो वह दूर होगा। मकर राशि, साथियों आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी सप्तम, अष्टम और नवम स्थान पे। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का मनमुटाव है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। आपको आपके पति का, आपकी पत्नी का भरपूर सहयोग और एक अपनापन देखने को मिलेगा। व्यवसायिक जीवन आपका काफी अनुकूल है। आने वाले 7 दिनों में आपको व्यवसायिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और व्यवसाय में आपकी जो भी समस्याएं हैं वह दूर होगी। साथियों एक सावधानी जो आपको अपने व्यवसाय में रखना चाहिए, आपको आपके नौकर से सावधान रहना चाहिए। आपके नौकर आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेंगे, वे आपको मानसिक तनाव देते हुए दिखाई देंगे। नौकरी को लेकर आने वाले 7 दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है। बेवजह का वर्क प्रेशर, बेवजह का वर्क लोड आपको दिखाई देगा। आपके जो अधिकारी है, आपके जो सहयोगी है, वह आपके लिए राजनीति करेंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। कृपया अपने आप को स्ट्रांग बनाकर रखें। साथियों आने वाले 7 दिन आप काफी ऊर्जावान रहेंगे। आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे और अपने आप को आप क्रिएटिव महसूस करोगे। कुंभ राशि, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से 6ठे, 7वें और 8वें रहने वाली दोस्तों, सामाजिक कार्य के कारण आपका मान सम्मान बाजार में बढ़ेगा। आपके घर वाले आपको रिस्पेक्ट करेंगे। प्रेम संबंध से और इलीगल अफेयर्स से अपने आप को दूर रखें। मान सम्मान में कमी उस कारण से हो सकती है। संतान से किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है। आने वाले 7 दिनों में संतान आपकी बात नहीं सुनेगी, आपका विरोध करेगी। यदि आप नौकरी में हैं या आप व्यवसाय में हैं, आपको आपके काम का वर्कलोड, आपको आपके काम का प्रेशर दिखाई देगा। बेवजह की मानसिक चिंताएं आने वाले 7 दिन आपको बनी रहेगी। यदि आप किसी प्रकार का कर्ज लेने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आपको भरपूर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और मनचाहा लोन आने वाले 7 दिनों में आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके हिडन एनिमीज, आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी चुगली कर सकते हैं, आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखें। मीन राशि, साथियों आने वाले 7 दिनों में आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति रहेगी पंचम, षष्ठ और सप्तम, यानी कि 5, 6 और 7। विवाह में यदि किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो वह दूर होगी। आपके लिए अच्छे अच्छे संबंध आएंगे, आपको कॉन्सेंट्रेट करके उसे फाइनल करना चाहिए। साथियों वैवाहिक जीवन को लेकर यदि कोई भी समस्या है तो वह आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देगी और आपके जीवन साथी का सहयोग आने वाले 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 7 दिनों में आपको पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। कोई व्यक्ति आपकी आर्थिक सहायता करने के लिए आपको प्रपोज कर सकता है, उसे एंटरटेन करें। नई जगह पर या लोकेशन चेंज होने के बाद व्यवसाय में वृद्धि होने के योग आने वाले 7 दिनों में आपको दिखाई देंगे। साथियों यदि आप शिक्षा की लाइन में हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आने वाले 7 दिनों में आपको नया ज्ञान हासिल होता हुआ दिखाई देगा। किसी नए सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। माता पिता के आशीर्वाद से आपके नहीं होने वाले काम भी आने वाले 7 दिनों में आपको होते हुए दिखाई देंगे। किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और वह आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो यह था साथियों आने वाले 7 दिनों का राशिफल। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।